बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपने चैनल पे हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बहुत ही प्यारा बुड़ी कार्ड शलवार का तरीका आपके साथ शेयर करने लगे हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको बुड़ी कार्ड शलवार की कटिंग बताएंगे, जो कि बनाने में भी बहुत इजी है। एक्सल साइज में हम इसकी कटिंग करेंगे, वो भी कम कपड़े में, क्योंकि आजकल शलवारों का कम कपड़ा होता है, तकरीबन 2.25 गज। हमने इसको 4 फोल्ड करके रख लिया है। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और करें प्यारा सतमान। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमने 4 फोल्ड करके इसको रखा है और आसन का निशान मार्क करके दूसरे साइड से हमने एक निशान पर्चे का लगाया है, दोनों को आपस में मिला दिया है। बहुत ही इसका सिंपल तरीका कटिंग का। इसी तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और आसन के ऊपर से हम कटिंग नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे निशान के ऊपर से, और ये जो हमारे पास कटिंग वाला कपड़ा है 4 पीस, इनको हम आपस में एक सिलाई करके अटैच कर देंगे। इस तरह हमारे पास 2 बड़े पीस तैयार हो जाएंगे 4 पीस से। आपस में 2-2 पीस की हम सिलाई करेंगे तो 2 बड़े पीस तैयार हो जाएंगे। इनको हम एक एक फोल्ड करके आसन के साथ रखेंगे। अगर आप ज़्यादा घेर पसंद नहीं करते तो ये आप जोड़ ना लगाएं, और अगर आप एक्सल साइज में तैयार कर रहे हैं तो ये जोड़ इस तरह लगा के आसन के साथ रख के कटिंग कर लें। इस तरीके से हमें इसको जोड़ लगाना है। दोनों को साथ रख के हम फोल्ड कर लेंगे। आसन का सही निशान मार्क करके यहाँ से हल्की सी गोलाई में शेप देके कटिंग कर लेंगे और इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सा और आसान सा तरीका है। हमने सलवार की स्टिचिंग कर ली कंप्लीट, पाइचे बनाए हैं। इस तरह हमने 5 या 7 सिलाई हम लगा सकते हैं, या सिर्फ 2 सिलाई भी लगा सकते हैं, वो अपनी पसंद के मुताबिक लगाते हैं पाइचे के ऊपर सिलाई। हमारे पास एक्सरसाइज में शलवार बन के तैयार हो गई है। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए हमारा कटिंग स्टिचिंग। बहुत ही सिंपल तरीका है। रखिए अपना रखना पर ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।